कुछ पूछ लेते हैं सर। जी, सबसे पहले आपके माध्यम से झारखंड के तमाम जनता को मैं खतियानी जोहार कहता हूँ। ये जो हेमंत सरकार के जो कार्यशैली है, ये खतियानधारियों के हित में नहीं है। और आज एक एक खतियानी जाग चुका है। जिस तरीके से हेमंत जी ने खतियानियों को रोकने का काम किया है, खतियानियों को टोकने का काम किया है, खतियानियों को छेड़ने का काम किया है, तो मैं बता दूं, ये खतियानी आने वाले दिनों में हेमंत जी को छोड़ेंगे नहीं और इनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। और आज जिस पहचान को मिटाने की कोशिश हेमंत जी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में खतियानी उसकी पहचान को मिटा देंगे। आपको बता दें कि हमारा आज नहीं, वर्षों से जो मांग रहा है खतियान आधारित स्थानीय नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति, हेमंत जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के भी यही एजेंडे रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में ये बातें लिखी हुई है। लेकिन आज हेमंत जी गलत तरीके से नियोजन करने का तरीका अख्तियार कर दिए। स्थानीय नीति तो इन लोगों ने बनाई नहीं, नियोजन करने का तरीका जो लाया है वो है मैट्रिक और इंटर वाली नीति। उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो बच्चा इस झारखंड प्रदेश में किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से मैट्रिक और इंटर कर लेगा, उसको हम यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में नियोजित कराएंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और इस नीति का हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे इस झारखंड प्रदेश में जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां मिलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के माटी पुत्र और पुत्रियों के लिए होनी चाहिए। 80-90% नहीं, 100% नौकरी सुरक्षित होनी चाहिए थी। और आज हेमंत जी ने ये गलत नीति बनाकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, आरी चलाने का काम किया है। ये जनता दिखाएगी, खतियानी जनता दिखाएगी, खतियानी ताकत दिखाएगी। हमारे बच्चे में तो इतनी टैलेंट है भाई कि हमारे बच्चे चपरासी, टीचर, दारोगा ही नहीं, वीडियो सीओ ही नहीं, यहाँ के डीसी बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, विभाग के सचिव बन सकते हैं, इस झारखंड प्रदेश को संचालित कर सकते हैं, इस झारखंड प्रदेश को चला सकते हैं। इतना टैलेंट है हमारा इस झारखंडी खतियानियों में। लेकिन आज खतियानियों को, उसके टैलेंट को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जेपीएससी, जेएसएससी, जैक बोर्ड के अध्यक्ष सारे के सारे बाहरी लोग। अब बाहरी लोगों से ये झारखंड को कैसे संचालित करेंगे? अगर कोई बाहरी व्यक्ति जो हमारे इस आयोग का अध्यक्ष बने तो निश्चित रूप में हमारे खतियानदारियों के लिए तो वो नहीं सोचेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बाहरियों के लिए सोचेगा। तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए और हमें ऐसे सरकार नहीं चाहिए, हमें ऐसे हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।